आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीडिंग मैग्नेटिंग बियरिंग ऑफ ए लाइन छोटो लाइट की हेल्प से एक लाइन का मैग्नेटिक मेजर करना या उस लाइन को करना और यू कैन से पॉइंट बी स्टेब्लिश करना विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए विद हेल्प ऑफ मैग्नेटिंग बियरिंग तो बेटा सबसे पहले क्या करोगे आप लोग सबसे पहले आप लोग जो आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए है वहां पे आप लोग इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करोगे सबसे पहला स्टेप आपका उसके बाद आपको क्या करना है टेम्पररी एडजस्टमेंट करना है सेंटरिंग लेवलिंग पेरलेक्स। उसके बाद आपको वन ईयर में जीरो रीडिंग करना है ओरिजेंड्र सर्कल के अंदर क्यों क्योंकि हम लोग हॉर्जोटल एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं क्लियर है उसके बाद क्या करना आपको लोअर क्लैम्प लूज करना है और उसकी डायरेक्शन किधर करनी है जिस तरफ आपका मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक नॉर्थ इंडिकेट हो रहा हो ये कौन सा है मैग्नेटिक नॉर्थ है बेटा इसका मतलब क्या है कि थोडोलाइट के साथ में आपका कंपास भी अटैच्ड है क्लियर है तो सबसे पहले आपने ये और वन ईयर में जीरो रीडिंग किया उसके बाद लोअर क्लेम लूज करके आपने इसको साइटिंग किस तरफ किया मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ से कब पता लगेगा जो आपका कंपास अटैच है थोड़ा लाइट में उसमें जो नॉर्थ डायरेक्शन जहाँ है उस तरफ आपने इंडिकेट किया क्लियर है और अब अभी आपने यहाँ पे लोअर क्लेम्प को फिक्स कर दिया बेटा अब आप क्या करोगे अपर क्लेम को लूज करोगे क्लियर है उसके बाद क्या है कि आप यहां से आपको जो टेलीस्कोप उसको रोटेट करना स्टार्ट करोगे लाइट को पूरे को कब तक करोगे जब तक आपके लाइट के जो टेलीस्कोप है उसके थ्रू आपको पॉइंट बी साइट हो वहां तक मान लो पर्सन खड़ा है जो रेंजिंग रोड लेके

जब मेरा बी साइट हो जाएगा करेक्टली तो उस टाइम जो मेरी रीडिंग होगी बेटा क्या शो करेगी वो आपका मैग्नेटिक मैग्नेटिक ऑफ लाइन, लाइन का को शो करेगी, जो रीडिंग होगी आपके मैग्नेटिकंग सर्कल के अंदर ये बेटा आपने पहले लिया फेस लेफ्ट के साथ एग्जांपल, फिर क्या क्या रीडिंग लोगे फेस राइट के साथ भी सेम रीडिंग लोगे आप क्लियर है आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है आपको फिर दोनों रीडिंग का जो मीन वैल्यू लेंगे दोनों की वो हमारी करेक्ट मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ लाइन ने रिप्रेजेंट करेगा हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं एरर को मिनिमाइज करने के लिए बेटा तो तो सभी पता ना कि फेस लेफ्ट और फेस राइट क्या होता है किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि फेस लेफ्ट रीडिंग क्या हो रही है कैसे ले रहे हैं और फेस राइट रीडिंग कैसे ले रहे हैं और फेस कैसे चेंज करते हैं लाइट के अंदर ये क्लियरली आपको समझाया गया आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर के अंदर नेक्स्ट बेटा आपका और बेटा जो भी मैंने आपको बताया ना ये मैग्नेटिंग बियरिंग वाला ये भी आपका प्रैक्टिकल है ठीक है ये भी एक्सपेरिमेंट आपका तो अभी तक आपके तीन एक्सपेरिमेंट डिस्कस हो चुके हैं ंगल मेजरमेंट बाई रिपिटेशन मेथड सेकंड थर्ड वन ये मैग्नेटिक मीनिंग ऑफ लाइन और फोर्थ कौन सा फॉर प्रैक्टिकल आपका ये वाला प्रोलोंगिंग स्ट्रेट लाइन वॉट डू मीन बाई प्रोलोंगिंग स्ट्रेट लाइन मीन्स एक्सटेंशन मीन्स उस लाइन को एक्सटेंड करना बैठा तो इसके अंदर कौन सा मेरे पास एक ए बी लाइन है ए टू बी लाइन है उसको मुझे प्रोलोंग करना है और यू कैन करना उसको Means क्या है मुझे ये लाइन गिवन है ए बी लाइन मीन्स दो पॉइंट है मेरे पास ए एंड बी पॉइंट उस लाइन पे और ए बी लाइन मुझे गिवन है। मुझे इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड करना है तो बेटा उसमें सबसे पहला फोर साइड मेथड एंड सेकेंड वन है मेरा बैक साइड मेथड आप सबको पता है फोर साइड क्या होता है बैक साइड क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोर साइड मेथड इसमें क्या करेंगे बेटा ए ए ए बी लाइन में जो मेरा स्टेशन है A -point है पॉइंट उसके ऊपर मैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करूंगा उसके बाद टेम्पररी एडजस्टमेंट करूंगा क्लियर आपको फिर क्या करूंगा बी पॉइंट को साइट करूंगा क्लियर है क्योंकि बी तो मुझे नो है पहले से ही ए बी लाइन मींस क्या है जो मेरा लाइन ऑफ साइट है उसके अलॉन्ग हो गया ए बी के अलॉन्ग जब मैंने बी को साइट कर लिया अब क्या करूंगा उसी डायरेक्शन में एक मैं पॉइंट सी स्टेब्लिश कर लूंगा अब बेटा प्रैक्टिकली कैसे करना आपको अभी समझा देता हूं ए पॉइंट पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया आपने क्लियर है ये पॉइंट एग्जांपल ये पॉइंट है वहां पे एक पर्सन रेंजिंग रोड लेके खड़ा है आपने इसको साइट किया मीन्स के आपकी लाइन ऑफ साइट किधर हो गई ए टू बी तरफ हो गई अब क्या करोगे इसी लाइन में एक पर्सन को जैसे आप बोल दो सी पॉइंट बोल दो यू कैन से अदर पर्सन को इस लाइन के अलोंग आना है मीन्स क्या ये लाइन है मेरी मान लो पर्सन पहले यहाँ स्टैंडिंग है तो जब मेरा लाइन ऑफ साइट ए बी के अलोंग है तो ये मेरे को विजिबल नहीं होगा उस केस में तो उसको मूव करवाना है यू कैन से अगर आप ए पे खड़े हो देख रहे हो तो उसे क्या बोलोगे कि थोड़ा राइट में मूव होना उसको विद हैंड सिग्नल जब मेरा ये पर्सन बिल्कुल ए बी लाइन के आ जाएगा मींस उस टाइम इस पॉइंट नाम देंगे पॉइंट को सी नाम दे देंगे मीन्स क्या भी लाइन? A, B, मेरी लाइन ए बी सी लाइन हो गई मेरी ए टू सी एक्सटेंड होगी लाइन मेरी जो मेरी लाइन पहले ए टू बी थी वो बी टू सी और एक्सटेंड हो गई मीन्स अब लाइन मेरी ए टू सी बन गई लाइन मेरी तो क्लियर है सिमिलरली क्या करेंगे बेटा इस बार अब अब हम लोग स्टेशन बी के ऊपर इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे सी को पहले साइट करेंगे क्या लाइन लाइन ऑफ ऑफ साइट साइट मेरी बी सी के लॉन्ग हो गई फिर मैं उस पर्सन को रेंजिंग रोड लेके कि वो अगेन मेरे में आ जाए जब आ जाएगा परफेक्टली मीन्स इस लाइन के लोग आ गया तो उसको हमने डी पॉइंट मार्क कर दिया डी पॉइंट नाम दे दिया हमने उसको ऐसे करते हुए है बेटा हम लोग जहां तक हमें लाइन को एक्सटेंड करना है मीन्स जेड पॉइंट वहां तक हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे क्लियर है तो बेटा यही प्रोसेस रिपीट करना है तो ये आपका सबसे पहला था फॉर साइड मेथड का टू एक्सटेंड ए लाइन सेकेंड बेटा आपका बेक साइड मेथड इसके अंदर क्या है मान लो कि आपको लाइन ए बी गिवन है और इसको आपको एक्सटेंड करना है जेड पॉइंट तक क्लियर है तो इस बार आप क्या करोगे देखो बेटा नाम में ही सब कुछ रखा है कि पहले था फोर साइड मेथड इस बार है बैक साइड मेथड मतलब तो क्या करेंगे इस बार हम लोग बी पॉइंट के ऊपर इंस्ट्रूमेंट को सेट अप करेंगे फिर एडजस्टमेंट करेंगे उसका उसके बाद क्या करेंगे ए पॉइंट पे पेटी रोड खड़ा है उसको साइड करेंगे क्लियर है तो अभी हमारा लाइन ऑफ साइट किस तरफ हो गया बी टू ए की तरफ हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट क्लियर है फिर बेटा हमने एक टर्म सीखा था वहां पे प्लेंज करना और यू कैन से ट्रांजिट याद आ रहा कुछ अब क्या करेंगे हमारे टेलीस्कोप को रोटेट कर लेंगे 180 डिग्री क्लियर है मींस क्या अभी मेरा जो लाइन ऑफ साइट है इसके लोंग ही रह गया ए भी के लोंग ही है लाइन ऑफ साइट बी इस बार किधर है ए टू बी की तरफ हो गया हमने क्या किया पहले बी पे इंस्ट्रूमेंट को एस्टेब्लिश किया टेम्परेट एडजस्टमेंट किया और ए को साइट किया

जब वो परफेक्टली लाइन ऑफ साइट में आ जाएगा तो ये मुझे विजिबल होगा वो क्लियर है क्योंकि मेरा मेरा टेलीस्कोप टेलीस्कोप का का जो डायरेक्शन है है वो ए ए टू बी की तरफ लोकेट है, मेरा, थोड़ो लाइट का. तो से हम लोग पॉइंट सी स्टेब्लिश कर लेंगे सिमिलरली अब क्या करेंगे मैं सी पे आऊंगा बी को बैक साइड करूंगा फिर मैं ट्रांजिट और प्लंज करूंगा अपने टेलीस्कोप को और डी पॉइंट को कर लूंगा तो ऐसे करते हुए हम लोग ए टू जो लाइन थी उसको हम लोग एक्सटेंड करते हुए जेड तक पहुंच गए बेटा क्या, हो क्या, जो जो क्या होंगे वो ए बी लाइन के अलोंग नहीं आएंगे कुछ एरर होगा तो कैसे पता लग रहा है आपको इसके अंदर ये कुछ एरर था कुछ मिस्टेक्स हुई है उसकी वजह से क्या हुआ है कि अगर परफेक्ट रहता है मेरा, तो मेरे सभी पॉइंट एक ही लाइन के अंदर आते क्लियर है अगर वो एक लाइन के अंदर नहीं है इसका मतलब क्या है कि कुछ एरर है मींस एडजस्टमेंट नहीं हुआ मींस क्या है टाइम पर एडजस्टमेंट किया नहीं एग्जांपल तो उस वजह से क्या हो गया अब ऐसा केस बन रहा आपका तो क्लियर आपको ये कि क्या गलती हुई होगी आपसे पता लग जाएगा आपको एक और इसी के अंदर मेथड है मेरा कि और ज्यादा प्रिसाइजली हम लोग कैसे मेजर मतलब लाइन को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं मोर प्रिसाइज तो आपने देखा होगा लाइट में दो टर्म काफी यूज करते हैं फेस लेफ्ट और फेस राइट बेटा मैं वही बात कर रहा हूँ मोर प्रिसाइज के लिए हम एक नेक्स्ट मेथड लेके आ रहे हैं फोर साइट और बैक साइट दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्यूरेसी के हिसाब से क्लियर है फोर साइट और बैक साइट मेथड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्यूरेसी के हिसाब से अब हम जो थर्ड मेथड करने वाले हैं उस वो ज्यादा मोर एक्यूरेट रहेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस टू मेथड्स क्लियर है इसका नाम है डबल रिवर्सिंग मेथड क्या लाइन को एक्सटेंड ही करना है इंस्ट्रूमेंट इन एडजस्टमेंट क्लियर है जो हमारे पहले हो रहा था उससे क्या आ रही थी जो हमारे लाइन है बेटा जो हमारे उस लाइन के अलोंग नहीं आएंगे अगर मेरा इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट है तो द प्रोसेस ऑफ डबल साइटिंग और डबल रिवर्सिंग इज यूज मान लो कि वही आपका प्रीवियस केस है ए टू बी लाइन है उसको एक्सटेंड करना है जेड तक मेरे को तो क्या करना है इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना है बी के ऊपर टेम्परे एडजस्टमेंट करना है अब देखो, देखो पहले क्या है विद द फेस लेफ्ट पहला जो मैंने पॉइंट एक्सप्रेस करूंगा सी को वो कैसे करूंगा फेस लेफ्ट के साथ करूंगा तो थोड़ा दो टर्म तो याद ही कर लो रीडिंग दोनों तरीके से लेनी है फेस, से भी, फेस से भी. क्लियर है? तो मान लो सबसे पहले द फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट साइड ऑन ए एंड क्लैंप बो द अपर एंड लोअर मोशन ट्रांजिट टेलीस्कोप एंड सेट पॉइंट इवन जो हमने बेटा बैक साइड में वैसा ही प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग बी पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया ए को साइट किया उसके बाद क्या करना है ट्रांजिटिंग किया और यू कैन से प्लंजिंग किया उसके बाद क्या है हम लोग सी पॉइंट को स्टेब्लिश कर रहे हैं लाइन ऑफ साइट यू कैन से ए बी के अलोंग सी पॉइंट को अगर मान लो मेरे इंस्ट्रूमेंट में एग्जांपल मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट नहीं है मीन्स करेक्ट है पूरा कोई एरर नहीं है तो उसके इसमें क्या होगा मेरा जो सी पॉइंट होगा बिल्कुल ए बी लाइन के अलोंग यही आएगा बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में आएगा बिल्कुल लाइन ए बी पे ही आएगा क्लियर है सिमिलरली आप सी पे establish हो जाओगे उसके बाद बी को बैक साइड करोगे plunge करोगे point D establish करोगे प्लंज पॉइंट डी क्लियर है ये तो बड़ा आइडियल केस हो गया है ये तो हम लोग बैक साइड में कर ही रहे थे पहले ही ऐसा केस इसमें दो डिफरेंस क्या आ रहा है एक तो हमने फेस लेफ्ट के साथ रीडिंग लेंगे सिमिलरली उसके साथ साथ फेस राइट right से भी रीडिंग लेंगे मान लो कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट है मीन्स क्या है कि आपका पॉइंट सी अलोंग द लाइन ए बी नहीं है तो मान लो कि वो यहां आया पॉइंट ये आपको ज्यादा दिख रहा होगा ये गैप ज्यादा नहीं होगा इतना गैप नहीं होगा सी और सीवन पॉइंट में बहुत कम गैप होगा और तो जूम करके बनाया गया को मान लो कि आपका जो पॉइंट था सी वो यहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है मीन कुछ इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट है उसी को हमें रिजोल्व करना है इस मेथड के अंदर तो मान लो आपका वो पॉइंट हुआ मीन्स क्या है अब वो लाइन के लोग नहीं है वो इस लाइन में ऐसे बन रहा है पॉइंट पॉइंट वो सी करना चाह रहे थे आप लोग सिमिलरली जब बेटा right तो है, तो दे है? है. तो है अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं अगर मान लो कुछ इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट है तो बेटा फेस लेफ्ट में भी रहेगा फेस राइट right में भी रहेगा क्लियर है सभी को तो अब क्या आपके पास दो लोकेशन आ गई सीवन सी टू और क्या है दोनों ही पॉइंट ए बी लाइन के अलोंग नहीं है बिल्कुल करेक्ट सही बोल रहे हो अगर मेरा फेस लेफ्ट और फेस राइट दोनों एक ही पॉइंट पे आते मीन्स क्या है अलोंग द लाइन ए बी आते तो मतलब करेक्ट है कोई इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट है ही नहीं मेरा बेटा

के एक्सटेंशन पे लाइन करेगा ऐसे करते हुए बेटा हम लोग जेड पॉइंट तक लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे क्लियर है बेटा ये आपका फोर्थ प्रैक्टिकल होगा सर्विंग टू का क्लियर है सभी को कि ए बी सी डी बेटा बाकी में तो सेम है टेंपरेरी एडजस्टमेंट करना है वन ईयर जीरो पे सेट करना है बैक साइड करना है प्लंजिंग ट्रांजिटिंग करना है पॉइंट को एस्टेब्लिश करना है उसको लाइन ऑफ साइट के अंदर वो प्रोसेस सेम है डिफरेंस क्या है अगर इम परफेक्ट एडजस्टमेंट हो तो उसके बाद भी पॉइंट सी को परफेक्टली अलोंग ऑन द एस्टेब्लिश करना तो पहुंच सकते हो द हेल्प ऑफ थोटो तो पहले मुझे बताओ कि ट्रेवर्सिंग क्या होती है और कितने टाइप की होती है क्या बेटा सब भूल गया ट्रेवर्सिंग पढ़ाया था ट्रेवर्सिंग क्या होता है कितने टाइप का होता है सर्वे वन के अंदर आप सभी को सोमोन सिंह एक्सटेंडिंग द सर्वे लाइन जॉइनिंग द सर्वे लाइंस कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन काफी नजदीक पहुंच रहे हो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट ठीक है सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या लीनियर मेजरमेंट तो हो गया प्लस एंगुलर मेजरमेंट भी ले लो बेटा दोनों होंगे ना तभी आपका एक क्लोज लूप और ओपन लूप बनेगा ट्रेवर्स के लिए दोनों चीज चाहिए लीनियर मेजरमेंट भी एंगुलर मेजरमेंट भी और सीरीज ऑफ सर्वे लाइन है बिल्कुल सही डेफिनेशन है क्वेश्चन सुनिए लेकिन उसके साथ तो आपको एड क्या करना है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट मीनस क्या है मान लो ये लाइन थी

थोडोलाइट से लीनियर मेजरमेंट कब कर पाएंगे जब वो टेक्योमीटर बन जाएगा और टेक्योमीटर कैसे बनाएंगे जब उसके अंदर एनालिटिक लेंस फिट रहेगा तब एक थोड़ोलाइट टेक्योमीटर बन सकता है और मैंने आपको पहले बताया डिफरेंस क्या है और नेक्स्ट आपका चैप्टर यही रहेगा टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग उसमें क्या है कि टेक्योमीटर से आप लीनियर मेजरमेंट भी ले सकते हो और एंगुलर मेजरमेंट भी ले सकते हो थोड़ोलाइट करोगे ना टेलीस्कोप से तो आप क्रोसेट दिखेगा ये क्रोसेट दिखेगा आपको किसके अंदर थोडोलाइट के अंदर, अंदर। टेक्योमीटर में क्या होगा इसके साथ साथ अपर शेडे वायर और लोअर वायर ये दिखेंगे आपको इसे बोलते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको ये मिल जाएगा तो आप लीनियर डिस्टेंस और यू कैन से ओरिजिनल डिस्टेंस मेजर कर सकते हो लेकिन थर्ड लाइट में ऐसा नहीं होगा ये थर्ड लाइट में रहेगा आपका क्रॉसर का ये पर टेक्यूमीटर में से क्रॉसर बनेगा तो कोई पूछे बेसिक डिफरेंस क्या है थर्ड लाइट में टेक्यूमीटर में तो बता सकते हो थोड़ा लाइट में बेटा दोनों का यूज सेम है एंगुलर मेजरमेंट करना क्लियर है बाकी दोनों के जो मैन्युफैक्चरिंग है दोनों के इंस्ट्रूमेंट में तो पूरा डिफरेंस है बेटा आपका हाँ यस यू कैन से वर्टिकल एंगल मेजर कर लेंगे थोड़ा लाइट के अंदर जो कंपास में नहीं कर सकते हम लोग और दूसरा क्या है लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं होगा मेरा थोड़ा लाइट क्लियर है तो यू कैन से बेटर एडवांसमेंट है एज कंपेयर टू कंपास तो सबसे पहला है ट्रेवर्सिंग बाई इंक्लूडेड एंगल्स एंड ट्रेवर्सिंग बाई डिफ्लेक्शन एंगल्स तो बेटा आपको पता लगा ट्रेवर्स में लीनियर मेजरमेंट करना है जो हम लोग चेन और टेप से कर लेंगे एंगुलर मेजरमेंट करना थोड़ी लाइट से करेंगे कौन कौन से हो गया

एबी लाइन का यू कैन से मैग्नेटिंग इस एंगल पे यहां से पहले क्या करेंगे करोगे, करोगे, जीरो करोगे, रीडिंग और नॉर्थ की तरफ उसको इंडिकेट लोअर क्लेम लूज करके उसके बाद लोअर क्लेम फिक्स कर लोगे अपर क्लेम लूज करोगे उतना एंगल देख कितना एंगल पे मेरा था ए बी परफेक्ट ठीक है और कितने डिस्टेंस पे था इसे इसके अलोंग

एंगल कौन सा इंक्लूडेड एंगल की हेल्प से बेटा और विद द हेल्प ऑफ ट्रेवर्स कंप्लीट हो जाएगा एक आपका मैंने बताया था लास्ट टाइम डिफ्लेक्शन एंगल डिफ्लेक्शन एंगल क्लियर है तो उसके हेल्प से आपको ट्रेवर्स बनाना है, तरीका ही है, से ही करना है। लेकिन कौन सा एंगल डिफ्लेक्शन एंगल डिफ्लेक्शन एंगल बेटा क्या था प्रीवियस लाइन को एक्सटेंड करो लाइन था इसको एक्सटेंड करो, और नेक्स्ट लाइन लाइन मेरा था, तो जो एंगल बन रहा है, एक्सटेंशन एक एंगल बन रहा है, वो क्या, एंगल मींस क्या है जो मेरी लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही थी वहां से कितना डिफ्लेक्ट हुई है क्लियर है एंगल. जा रही थी ना लाइन मेरी अब इस तरफ हो गई इतना एंगल से, डिफ्लेक्ट हो, से, एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई लाइन मेरी अब करना है चेन और टेप से और एंगुलर मेजरमेंट कौन सा डिफ्लेक्शन एंगल किससे करना आपको थोड़ो से अब मुझे बताओ आप लोगों को मैंने सिखाया था कि ये मान लो कि ये एंगल कैसे मेजर करोगे बेटा आप लोग

अब जो आपका इंग, डिजाइड एंगल गिवन था आर वन उतने एंगल पे रोटेट कर लो तो आपको बीस सी लाइन का डायरेक्शन मिल जाएगा की हेल्प से आपको बेटा बेक साइड देन फोर साइड नहीं फोर साइड क्यों नहीं बोलेंगे इसमें हम लोग फोर साइड ऐसा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे पास कोई आगे स्टाफ तो है नहीं स्टाफ यूज करूंगा आर एल निकालना फोर साइट इन दैट केस ना मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूं बीसी लाइन की और मैं प्लंजिंग कर रहा हूं भी. है? हाँ अगर मान लो मुझे ये बी जो मैं सी पॉइंट स्टेब्लिश कर रहा हूं क्लियर है अब मुझे केवल डायरेक्शन मिला ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है मेरा पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे यहां से तो वो डिस्टेंस आएगी आपके पास क्लियर है बेटा मैं ऑलरेडी डिफ्लेक्शन एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको मान लो कि आपको ये ट्रेवर्स बनाना है तो मैं एक लाइन एग्जांपल दे रहा हूं एक लाइन बता इसमें कैसे इसको एस्टेब्लिश करोगे कि मान लो कि आप बी सी लाइन कैसे एस्टेब्लिश करोगे ट्रेवर्स की आपने क्या किया बी पॉइंट पे आपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर दिया क्लियर है उसके बाद क्या करोगे टेम्पर एडजस्टमेंट करोगे वर्नियर में जीरो जीरो रीडिंग करोगे उसके बाद लोअर क्लैम्प को लूज करोगे और ए पे बंदा रंजिंग रोड खड़ा है उसको आप साइट करोगे क्लियर है मीन टोड किस तरफ है बी टू ए की तरफ है उस टाइम वन ईयर में जीरो जीरो रीडिंग है आप क्या करोगे लोअर क्लेम्प को फिक्स कर लोगे क्लियर है और क्या करोगे टेलीस्कोप को 180 डिग्री से रोटेट करोगे इसे क्या बोलते हैं बेटा अब मैं वर्ड यूज करूंगा ट्रांजिट बार बार नहीं बोलूंगा ट्रांजिट ट्रांजिट मतलब क्या होता है और यू कैन से प्लंज क्लियर है तो मीन क्या अभी आपकी लाइन ऑफ किस तरफ होगी ए टू बी की तरफ हो गई क्लियर है उस टाइम रीडिंग क्या है जीरो जीरो रीडिंग है बेटा अब क्या करोगे मान लो कि आपको एंगल गिवन था ट्वेंटी डिग्री एग्जाम्पल के लिए कि उतना एंगल एंगल आपका तो तो क्या क्या करोगे यहां से 20 degree, means क्या है? में रोटेट करोगे से 20 degree से तो से है में कितने जिस दिखा रहा अभी मेरा किस तरफ तरफ की आ जाएगा अब इसमें कहाँ है मुझे अभी नहीं पता वो कैसे पता लगेगा उसके अलोंग एक लीनियर मेजरमेंट करना पड़ेगा बेटा मीन्स क्या मान लो कि यहां से फाइव मीटर पे है बी पॉइंट से सी पॉइंट और इतना डिफरेंस एंगल पे था तो पहले आपने डायरेक्शन फाइंड कर ली इस डायरेक्शन में है मींस इस डायरेक्शन में है आपका पॉइंट सी पॉइंट मींस यहां से पांच मीटर पे है तो आप यहां से पांच मीटर के डायरेक्शन पे पॉइंट मार्क कर लिया पॉइंट तो सी आपका ट्रेवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा लीनियर प्लस एंगुलर मेजरमेंट कौन सा एंगल डिफ्लेक्शन एंगल विद हेल्प ऑफ छोटो लाइट और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिफ्लेक्शन एंगल वाला कब कौन सा कहा यूज करना है कौन से ट्रेवर्स में यूज करना है ओपन ट्रेवर्स के केस में और कहां कहां यूज करना है क्लियर है आपका नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम है सर्वेइंग का लेटीट्यूड डिपार्चर वाला क्लियर है और ये आपका बीसी पुण्य में जो लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक अलग से चैप्टर है थोड़ा लाइट चैप्टर में नहीं मिलेगा आपको ठीक है अलग से चैप्टर उसमें सर्च कर लेना तो आपको पता है कि टू डायमेंशन में किसी पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे टू डायमेंशन 2D के अंदर किसी पॉइंट के बेटा कितने कोऑर्डिनेट होंगे और कौन कौन से आपने पढ़ा होगा बचपन में मैथमेटिक्स में 9, टेंथ में और कौन कौन से होंगे वो कोऑर्डिनेट दो कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे बेटा अभी इसको छोड़ो रिलेटेड डिपार्चर को आप नॉर्मली पूछ रहा हूं कि कोई पॉइंट को मेरे को यू कैन से कि मान लो कि एक पेज के ऊपर मुझे एक पॉइंट स्टेब्लिश करना है किसी ने बोला कि इसको मैंने ओरिजिन बोल दिया इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया और इसको मैंने वाई एक्सिस बोल दिया इसको बेटा बोल क्या बोलते हैं एफ सी याद है ना कुछ बड़ी याद है एफ सा इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं कुछ पड़ा हुआ याद आ रहा है मैथमेटिक्स का किससे बोलते हैं एफ सी X को वाई को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते है बेटा

कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सिमिलरली जो हम में यूज़ कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें दो होंगे तो कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है मैथमेटिक्स वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ही तो सबसे पहले हम डिस्कस करें लेटीट्यूड क्या है और डिपार्चर क्या डेफिनेशन क्या है लेटीट्यूड ऑफ ए लाइन इज इट्स

ए बी लाइन का लेंथ L था तो इसका प्रोजेक्शन किस तरह बेटा इस तरह प्रोजेक्शन है नॉर्थ साउथ की तरह प्रोजेक्शन है तो ये, बेटा, ये, ये कितना बेटा मुझे बताओ ये कंपोनेंट कितना होगा इसका ये कंपोनेंट कितना होगा अगर ये लेंथ L है अगर लेंथ L है मेरी ये लेंथ L है एंगल थीटा है क्लियर है तो बेटा ये हाइट कितना होगा ये लेंथ कितना होगा मुझे इसका प्रोजेक्शन कितना होगा a b लाइन का प्रोजेक्शन अलोंग द नॉर्थ साउथ एक्सिस कितना हो रहा बेटा जल्दी बताओ मेरे को ये तो बेसिक चीजें बेटा अभी l कोस थीटा अमन करेक्ट कृष्णन करेक्ट बिल्कुल करेक्ट तो इसे क्या बोलेंगे l कोस थीटा क्लियर है बेटा यही क्या हो गया बेटा आपका लेटिट्यूड होगा l कोस थीटा क्लियर है समझ में आ गया अब तो पता लग गया कि प्रोजेक्शन किस तरफ कितना प्रोजेक्शन है क्या है वो एल कोस थीटा वो आपका लेटिट्यूड हो गया बी पॉइंट का क्लियर है मान लो कि ए पॉइंट ओरिजिन मान लिया मैंने और बी पॉइंट एस्टेब्लिश करना था तो उसका मैंने बोला लेटिट्यूड एल कोस थीटा है और डिपार्चर बेटा क्या है द डिपार्चर ऑफ अ लाइन इट्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन मींस अगर मेरे मेरिडियन ये रिप्रेजेंटिंग तो उसके परपेंडिकुलर लाइन ये है इसके अलोंग जो इसका प्रोजेक्शन रहेगा मींस क्या है ईस्ट वेस्ट लाइन के अलोंग जो इसका प्रोजेक्शन रहेगा बताओ मेरे को ये एल है ये लेंथ बेटा और लेंथ सेम होगा तो ये ये कितना होगा बताओ मेरे को अगर ये एल है ये एंगल थीटा है तो इसका डिपार्चर और यू कैन से प्रोजेक्शन ऑफ लाइन अलोंग द ईस्ट वेस्ट कितना होगा बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लेटीट्यूड और डिपार्चर क्या है तो हमने क्या देखा बेटा लेटीट्यूड फॉर एग्जांपल लाइन ए बी हैविंग लेंथ एल हैविंग एंगल थीटा और यू कैन से बियरिंग विद नॉर्थ देन कंपोनेंट ऑफ लाइन ए बीज लेंथ एल अलोंग द यू कैन से नॉर्थ साउथ ये क्या था बेटा एल कोस थीटा कंपोनेंट ऑफ लाइन ए बी अलोंग द ईस्ट वेस्ट एक्सीज ये क्या रहेगा एल साइन थीटा इसे बेटा बोलते हैं लेटिट्यूड इस कंपोनेंट को बोलते हैं डिपार्चर तो क्लियर है सभी को रेटिट्यूड क्या होगा डिपार्चर क्या होगा डेफिनेशन भी वही है द ऑफ लाइन इज इट्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द मेरिडियन सिमिलरली डिपार्चर क्या रहेगा द डिपार्चर ऑफ ए लाइन इट्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन तो लेटीट्यूड रहा आपका एल कोस थीटा और डिपार्चर रहा एल साइन थीटा अब देखना कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव रहेगा लेटीट्यूड डिपार्चर तो सबसे पहले बात करते हैं लेटीट्यूड की अगर बेटा लेटीट्यूड आपका टू आर्स नॉर्थ है मींस क्या है इससे ऊपर पूरा नॉर्थ रहेगा इस डायरेक्शन में तो इस तरफ आपका लेटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो प्लस एल और साउथ की तरफ जिसे बोलते हैं साउथिंग इस से इस तरफ तो इस तरफ आपका एलिटीट्यूड नेगेटिव रहेगा बेटा इसलिए माइनस एल क्लियर है सिमिलरली अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मानू तो इससे ईस्ट की तरफ ईस्टिंग बोलते हैं इसको ईस्टिंग में आपका डिपार्चर पॉजिटिव रहेगा क्लियर है प्लस डी और वेस्टिंग में आपका डिपार्चर नेगेटिव रहेगा तो बेटा ये साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव और नेगेटिव के तो क्लियर है सभी को किधर पॉजिटिव रहेगा किधर नेगेटिव रहेगा किस तरफ डिपार्चर पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस क्वाड्रेंट की बताओ मुझे इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों है बेटा नॉर्थिंग है क्लियर है और डिपार्चर पॉजिटिव क्यों है ईस्टिंग है ईस्ट की तरफ है सिमिलरली इसमें क्या है ये भी नॉर्थिंग है इसलिए मेरा लेटीट्यूड पॉजिटिव रह गया और वेस्ट की तरफ रेफरेंस है तो डिपार्चर मेरा नेगेटिव हो गया क्लियर है इसमें देख लो ये क्या है साउथिंग की तरफ और वेस्टिंग की तरफ है तो इसलिए दोनों नेगेटिव रह गए इसमें इस वाले में क्या है नेगेटिव क्यों साउथिंग की तरफ है एंड डिपार्चर पॉजिटिव आई ईस्टिंग की तरफ है इसलिए तो क्लियर है सभी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कंफ्यूजन होना चाहिए नॉर्थिंग पॉजिटिव साउथिंग नेगेटिव ईस्टिंग डिपार्चर पॉजिटिव वेस्टिंग डिपार्चर नेगेटिव तो बेटा सबसे पहला आप इन्होंने एक लाइन लिया ए बी लाइन क्लियर है जिसका रिड्यूस बियरिंग का दूसरा नाम बेटा क्या था क्वाड्रेंटल बियरिंग बियरिंग क्लियर है क्वाड्रेंटल बियरिंग तो क्या बोल रहा है डायग्राम बनाओ इसका ए बी लाइन है नॉर्थ नॉर्थाईस्ट ऐसा ही लाइन बनेगा

लाइन है कौन से क्वाड्रेंट में साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट बेटा ये क्वाड्रेंट है ये साउथ ये नॉर्थ है ईस्ट वेस्ट लाइन आपकी बीसी लाइन है लेंथ ले तो मुझे इसमें बताओ वही लेटिट्यूड क्या रहेगा बेटा एल्कोस थीठा डिपार्चर रहेगा एल साइन थीटा साइन बताओ मुझे इस क्वाड्रेंट में आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताओ कि इस क्वाड्रेंट में लेटिट्यूड का साइन क्या रहेगा इस क्वाड्रेंट में लेटिट्यूड का साइन क्या रहेगा बेटा एंड डिपार्चर का साइन भी लेटीट्यूड नेगेटिव एंड डिपार्चर ऑल आर करेक्ट लेटिट्यूड नेगेटिव रहेगा डिपार्चर पॉजिटिव रहेगा क्यों ईस्टिंग है बेटा क्लियर है तो इसमें बेटा क्या रहेगा प्लस डिपार्चर रहेगा प्लस में क्यों है तो एल साइन थीटा लेटेटिव नेगेटिव इसलिए माइनस एल साइन थीटा क्लियर है तो थर्ड केस ले रहे हैं बेटा अपन साउथ थीटा वेस्ट साउथ थीटा वेस्ट भूल तो नहीं गए कोई इसको किस कॉर्डन लाइन को ड्रॉ ही है साउथ थीटा वेस्ट क्लियर है तो मुझे बेटा इस मैं बताओ इसका अब आपको पता है लेटीट्यूड इसका एल को रहेगा डिपार्चर एल साइन थीटा रहेगा ये तो कन्फर्म है लेकिन अब साइन बताओ मुझे साइन क्या रहेगा में दोनों का बता, का साइन साइन बताओ बेटा क्या रहेगा रहे दोनों नेगेटिव क्यों साउथिंग की तरफ और वेस्टिंग की तरफ इसलिए दोनों नेगेटिव रहे ऑल आर करेक्ट इसलिए दोनों नेगेटिव हो गए आपके नेक्स्ट आपका फोर्थ केस है लाइन डी ए लाइन नॉर्थ थीटा वेस्ट अब तो बताओ बेटा इस केस में इस केस में आपका क्या रहेगा साइन ऑफ लेटिट्यूड एंड डिपार्चर अमाउंट पता है वैल्यू पता है मैग्नीट्यूड कितना है थीटा साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है उसका लेकिन साइन क्या रहेगा नॉर्थिंग की तरफ है इसलिए लेटिट्यूड पॉजिटिव और वेस्टिंग की तरफ है इसलिए डिपार्चर नेगेटिव आदित्य प्रकाश ओझा करेक्ट योर करेक्ट कीजिए बेटा आपने गलत बताया आपने नेगेटिव पॉजिटिव बोला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा डिपार्चर नेगेटिव रहेगा रिमेनिंग ऑल आर करेक्ट क्लियर है, है. है बेटा अब बेटा इसको जैसे हम लिख रहे थे ना पॉजिटिव नेगेटिव दो कॉलम में लिख रहे थे तो हम इसको क्या कर सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्थिंग

लिखने का क्लियर है बेटा अब बेटा एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म और आपका सर्वेइंग का क्लोजिंग एरर और ये तो बड़ा फेवरेट टर्म है हर तरीके से ये तो पूछ लेते हैं लोग अक्सर क्लोजिंग एरर के बारे में तो मैं आपसे अगर बोलूं कि एक मान लो आपका क्लोज ट्रेवर्स था क्लोज ट्रेवर्स था मान लो कि पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया है ए से बी सी डी ई और ये क्या है कि जो एंड पॉइंट ए था वापिस जिस पॉइंट पे आपको आना था ट्रैवर्स के अंदर वो क्लोज नहीं हो पा रहा यू कैन से इसको एडेस बोल दू एक्चुअल में बेटा क्या होना चाहिए क्लोज ट्रैवर्स का डेफिनेशन यही है कि फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट सेम होना चाहिए इधर और उनके जो यू कैन से कोऑर्डिनेट नॉन होने चाहिए तो आपने क्या देखा कि जो मेरा इनिशियल पॉइंट जहां से मैंने सर्वे का ट्रेवर्सिंग स्टार्ट किया जहां मैं ट्रेवर्सिंग एंड कर रहा हूं वो पॉइंट दोनों सेम नहीं है मींस कुछ एरर है बेटा इसी एरर को बोलते हैं Closing error, yeah, error of closure. The distance by which a traverse failed to close is known as closing error or error of closure. बेटा क्लोजिंग एरर किसे कहते हैं ये जो एरर रहेगी इस एरर को क्लोजिंग एरर बोलेंगे लो. अब इसका क्या रहेगा कैसे मेजर करेगा और जो हमने दो टर्म पढ़े हैं उनका यूज क्या है देख पा रहे हो कि आपका फर्स्ट पॉइंट ये था और लास्ट पॉइंट सेम होना चाहिए लेकिन क्या सेम नहीं है डिफरेंट है तो मीन्स क्या है? ये जो दोनों पॉइंट के बीच का ये जो गैप आ रहा है ये क्या है क्लोजिंग एरर है क्लियर है और मैं क्या करूंगा इस क्लोजिंग एरर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दूंगा मीन्स के इसका मान ली कंपोनेंट ले लिया आपने ए कंपोनेंट ये ये क्या होगा लिटिट्यूड ये होगा डिपार्चर तो मैं आपसे बताता हूं कि अगर मैं बोलूं कि क्लोज ट्रेवर्स है तो यू कैन से क्लोज ट्रेवर्स तो ध्यान से देखना इस बात को क्लोज टेवर्स में क्या कंडीशन होगी समेशन ऑफ लेटिट्यूड इज इक्वल टू जीरो मीन्स क्या है आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वापिस घूम के उसी पॉइंट पे आ रहे हो आप मीन्स क्या है जितने भी लेटीट्यूड होंगे कभी प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे उनका समेशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्यों वापिस उसी पॉइंट पे आ रहे हो आप सिमिलरली डिपार्चर भी क्या है वापिस जीरो जाएंगे ऐसा मान लो आप कॉर्डिनेट जियोमेट्री में आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया जीरो जीरो से घूम फिर के वही आ आगे ओरिजिन पे तो बेटा क्या बोलते थे वहां एक एक टर्म था डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका जीरो हो गया याद है ना फिजिक्स में तो वैसा ही मान लो तो इसमें क्या है कि अगर आप इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गए क्लोज टेवर्स के अंदर तो आपका समेशन ऑफ लेटिट्यूड वो जीरो होना चाहिए एंड समेशन ऑफ डिपार्चर बेटा आपका जीरो जीर, मेस्ट कंडीशन है ट्रेवर्सिंग के अंदर क्लोज ट्रेवर्स के लिए क्लियरली अगर ऐसा नहीं हो रहा मींस के एरर है अब वो एरर को बोलते हैं क्लोजिंग एरर पता लग गया आपको तो क्लोजिंग एरर कैसे निकालेंगे क्लियर है तो क्लोजिंग एरर बेटा क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ लेटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर अगर मान लो ये मेरा परफेक्ट क्लोज कोई एरर नहीं होती तो ऑफ मेरा जीरो होता, मेरा जीरो होता. इसलिए क्या होता क्लोजिंग एरर जीरो होता अगर क्लोजिंग हो नहीं रही क्लोजिंग मीन्स क्लोजिंग एरर मींस का कुछ वैल्यू होगा सेकंड वन मुझे बताओ इस ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा जो क्लोजिंग एरर थी उसको मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था समेशन ऑफ लेटिट्यूड में एंड ऑफ डिपार्चर में तो मुझे बताओ ये थीटा क्या होगा टेन थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्लियर है मींस क्या हो गया समेशन ऑफ डिपार्चर डिवाइड बाई समट्यूड नेक्स्ट आपका चीज रहेगा एक एक टाइम आती है कि रिलेटिव एरर ऑफ और यू कैन से रिलेटिव क्लोजिंग एरर या रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर क्या है तो वो क्या रहती है कि क्लोजिंग एरर मींस ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ लेटिट्यूड स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर स्क्वायर डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स क्लियर है पेरीमीटर मीन्स क्या ये लेंथ लेंथ ट्रेवर्स की क्लियर है मीन्स क्या अगर ए डी दो मीटर हो डी सी तीन मीटर हो सी बी चार मीटर हो बी ए पांच मीटर हो तो सभी का समेन मीन्स पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रेवर्स तो बेटा उससे बोलेंगे रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर या रिलेटिव क्लोजिंग एरर बोलेंगे उसको क्लियर है सभी को रिलेटिव टू डिपार्चर क्या है क्लोजिंग एरर क्या है क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड क्या होगा

और काउंट कितना था आपका लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगी परमिसिबल एंगुलर एरर मींस क्या है इतना एरर परमिसिबल है मेरा जो हमने निकाला थीटा बताया थीटा कैसे निकालोगे टेन इनवर्ट्स ऑफ थीटा कैसे निकालोगे टेन इनवर्ट्स समीशन डी बाई समीशन थीटा बेटा क्या है आपके क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन है यस बेटा अगर आपका जो एंगल मेजरमेंट का लीज काउंट ट्वेंटी सेकंड है कर रहे हो ट्वेंटी सेकंड वाले से तो वो ट्वेंटी सेकंड हो जाएगा आपका एंगुलर एरर है ना बेटा वो तो एंगल मेजरमेंट में जो लिस्ट काउंट है वही काउंट काम आएगा आपका उसमें वेर थीटा इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर क्लियर है तो आपको दो चीज निकालनी पड़ सकती है क्लोजिंग एरर में एक तो क्या है मेनूट कितना क्लोजिंग एरर का कैसे निकालोगे इस फॉर्मूला से निकाल लोगे और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो वैसे निकालोगे क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन क्या होगी क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग एरर सबको समझ में आ गया तो अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सही के ऊपर क्लोजिंग एरर के ऊपर द टेबल बिलो द लेंथ एंड बियरिंग ऑफ द लाइन ऑफ ए ट्रेवल्स ए बी सी डी ई लेंथ एंड बियरिंग ऑफ ई ए हैविंग बीन ओमिटेड कैलकुलेट द लेंथ एंड बियरिंग ऑफ द लाइन ई ए

हम बात करते हैं ए बी लाइन के लिए निकालते हैं लेट टू डिपार्चर तो ए बी लाइन के बेटा लेंथ क्या है टू जीरो फोर मीटर बियरिंग क्या है एटी सेवन डिग्री थर्टी मिनट तो मींस क्या है अगर मैं बी लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं यहां से एंगल ले रहा हूं एंगल कितना है एटी सेवन डिग्री थर्टी मिनट और लेंथ टू थी तो बेटा मुझे बताओ इसका लेटिट्यूड क्या रहेगा एल कॉस थीटा निकाल सकते हो एल कॉस थीटा पॉजिटिव है क्यों इस स्क्वायरेंट के अंदर है तो एल कॉस थीटा कितना होगा सभी का आ रहा है 8.90 जल्दी बताओ फाइंड आउट करके लेटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी एल गिवन है 204 मीटर बेटा एंड एंगल भी गिवन है कॉस थीटा कितना है 87 डिग्री 30 मिनट सभी का रहा है एट पॉइंट नाइन मीटर सिमिलरली बेटा डिपार्चर क्या रहेगा एल साइन थीटा तो और इस क्वाड्रेंट में इसलिए क्या रहा है पॉजिटिव आ रहा है क्यों ईस्टिंग की तरफ है तो एल साइन थीटा तो हमने डिपार्चर यहां मेंशन कर दिया समझ में आ रहा है सभी को बेटा ये क्या है एल कॉस थीटा बेटा और कुछ नहीं कंफ्यूज नहीं होना है ये एल साइन थीटा है थीटा की वैल्यू यहाँ गिवन है एल की वैल्यू ये भी गिवन है तो मैंने ए लाइन के लिए सिमिलरली बी लाइन सी लाइन एंड डी लाइन के लिए मैंने लेटिट्यूड डिपार्चर फाइंड आउट कर लिए और उनको टेबुलेट कर लिया इस फॉर्म में अभी मैंने क्या करा मान लो कि जो आपकी लाइन गिवन है ई ए लाइन उसका आपको लेटिट्यूड भी नहीं पता है और डिपार्चर भी नहीं पता है क्लियर है तो आपको एल की वैल्यू भी निकालनी है थीटा की वैल्यू भी निकालनी है तो इसमें आप लोग क्लोजिंग एरर कैसे यूज करोगे क्लोजिंग एरर कॉन्सेप्ट को तो बेटा तो क्या करना है जो भी मेरे ए टू ई लाइंस है उनका मैंने देखा समय ऑफ लेटिट्यूड कितना आ रहा है इन सभी को क्या करेंगे पॉजिटिव वाले ऐड कर लिए मैंने और नेगेटिव वाले ऐड कर लिए फिर क्या है पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर लो तो नेट समेशन ऑफ मेरा इतना आ रहा है सिमिलरली डिपार्चर भी फाइंड आउट कर लिया मैंने कितना आ रहा पॉजिटिव कॉलम ऐड कर लिए नेगेटिव कॉलम ऐड कर लिए फिर पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर लिया तो मेरा डिपार्चर रहा पॉइंट सेवन टू प्लस में समिपार्चर मैंने क्या मान लिया बेटा मुझे देखो ई ए लाइन का फाइंड आउट करना था लेंथ यू कैन से तो मैंने क्या मान लिया कि ये को ट्रेवर्स था मेरा ए बी सी डी ई था एक्चुअल में ए तक था ये मैंने क्या मान लिया इसमें क्लोजिंग एरर है मैंने मान लिया ये क्लोजिंग एरर है क्लियर है जो मेरी ई ए लाइन है उस लेंथ को मैंने इज इक्वल टू क्लोजिंग एरर मान लिया उस केस में क्या होगा कि मैं ई ए लाइन का थीटा और लेंथ दोनों निकाल सकता हूं क्लोजिंग एरर कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे तो मैंने आपको सिखाया था कि बेटा क्लोजिंग एरर निकालना है तो उसमें मैंने एक चीज देखा था कि टेन थीटा क्या होता था बेटा समेशन ऑफ डिपार्चर डिवाइड बाई समेशन ऑफ लेटीट्यूड तो बेटा बताओ मेरे को डिपार्सर कितना था पॉइंट सेवन टू एंड लेटिट्यूड कितना आपका एट्टी सेवन पॉइंट एट सिक्स क्लियर है तो यहां से क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ बेटा लेटिट्यूड टूड एट पॉइंट नाइन ही आ रहा है आपको कैलकुलेटर में साइज आई थिंक एंटर नहीं करना था अभी तक डिग्री और मिनट इट्स बेटा एट्टी सेवन डिग्री थर्टी मिनट लेटिट्यूड बेटा उतना ही आ रहा है एट पॉइंट नाइन ही आ रहा है इसको बेटा क्या लिख सकते हो समझ नहीं आ रहा तो एट्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री लिख सकते हो क्योंकि थर्टी मिनट मींस हाफ डिग्री है तो अपने के मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 87.5 डिग्री 8.9 ही आएगा दोबारा चेक करो तो मेरा थीटा क्या रहेगा टेन इनवर्स ऑफ ऑफ समेशन बाई एल क्लियर है तो आपने थीटा निकाल लिया यहाँ पे देखो एक जो ध्यान देने वाली चीज क्या है जब आपने टेंटा निकाला तो आपने देखो साइन नहीं लिया है आपने 0 .72 बाई निकाला? निकाल लिया? जीरो, 28 है? जीरो 28 अब आपने बता इसका कौन से क्वाड्रेंट में जीरो कहाँ है? है या ओनली जीरो ट्वेंटी आपका ये क्लियर है तो कैसे पता लगाओगे आपने क्या देखा कि ए टू जब मैं ई e मूव हुआ तो उसमें मेरा टोटल एटीट्यूड था प्लस का 87.86 एंड डिपार्चर था 0.72 क्लियर है तो मुझे क्या पता इस जो मेरी लाइन है इस कैलकुलेट्यूड मेरा क्या होना चाहिए ई ये लाइन का माइनस का 87.86 और डिपार्चर क्या होना चाहिए माइनस का जीरो पॉइंट सेवन टू ऐसा क्यों करें बेटा अब इनको ऐड करो सबको यहाँ तक था? A to e कितना था ए टू कितना था? फिर e to A, तो नेट किया जाएगा? आ जाएगा आ हो रहा है सभी को। तभी बन रहा है। कितना था मेरा ए टू e आने में पॉइंट सेवन टू प्लस का फिर ई टू ए जाने में माइनस पॉइंट सेवन टू तो क्या होगा प्लस पॉइंट सेवन टू माइनस पॉइंट सेवन टू मेरा जीरो आ जाएगा तो पता लग गया आपको ए और ई ए का लेटीट्यूड टू कितना कितना होगा क्लियर है क्योंकि बेटा नेट आपको जीरो करना है क्लियर है फिर बेटा उसके बाद क्या देख रहे हो आप लोग आपको पता लगे दोनों नेगेटिव में मीन्स क्या है कौन से क्वारेंट में रहेगा आपका ई ए लाइन कौन से क्वारेंट में रहेगा बेटा इ e लाइन इस क्वारेंट में रहेगा ये तो कंफर्म है सभी को

मीन्स क्या होता है हमेशा नोट से लेते हैं ना वॉल सर्कल बीयरिंग तो वॉल सर्कल बीयरिंग क्या हो गया 180 डिग्री 28 मिनट क्लियर है 180 डिग्री 28 मिनट अब आपको पता है कि इस लाइन का मेरा लेटुट कितना रहा 87.86 रहा वो क्या है लेटुट क्या होता है एल थीटा होता है बराबर 87.86 ठीक आपको पता है कितना है जीरो डिग्री ट्वेंटी एट मिनट आपका तो यहाँ पुट कर दो जीरो डिग्री ट्वेंटी एट मिनट तो यहाँ से आपका एल आ जाएगी ना एल इज इक्वल्स टू क्या होगा एट्टी सेवन पॉइंट एट सिक्स डिवाइड बाय कॉस ऑफ जीरो डिग्री ट्वेंटी एट मिनट तो बेटा आप लोग यहाँ से लेंथ ऑफ ई ए फाइंड आउट कर सकते हो क्लियर है सभी को आगे मूव करें इसके अंदर मुझे बताओ इस वाले में सी डी और डी बेटा आप वॉल सर्कल बीरिंग यूज कर सकते हो ना क्योंकि उसमें क्या है एल है तो जो of 280 degree, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा आपका समझ रहे हो वहां पे सोचना नहीं फिर आपको ना कि पॉजिटिव नेगेटिव कहा नॉर्थिंग वेस्टिंग में सोचना नहीं है अगर जब लोग जब आप लोग वॉल सर्कल बीरिंग यूज कर रहे हो ना तो आपको सोचना नहीं है कि आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा नॉर्थिंग में होगा साउथिंग में होगा ईस्टिंग वेस्टिंग सोचना नहीं है सिंपली पुट करो लेटिट्यूड इज इक्वल्स टू एल कोस थीटा अगर वॉल सर्कल बीरिंग यूज कर रहे हो तो और डिपार्चर एल साइन थीटा ऑटोमेटिक साइन आ जाएगा कोस के साथ में साइन के साथ में जैसे मान लो कि मेरा एंगल है मेरा मोर देन 90 डिग्री एग्जांपल 105 डिग्री एंगल है मेरा 105 ना तो cos 105 क्या बता होगा बताओ मुझे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा cos ऑफ 105 मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा मुझे बताओ आप पहले बेटा ये तो पता होना चाहिए ना cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता ना तो ये लाइन थी मेरी 105 बताओ इस इस वाले क्वाड्रेंट में मेरे कोई लाइन है तो उसका लैटिट्यूड क्या रहेगा बेटा साउथिंग में नेगेटिव रहता ना तो हमें पता है कि cos 105 नेगेटिव होगा तो डायरेक्ट पता लग गया वो चीज भी क्लियर है दोनों चीज मैच कर रही है ना अभी साउथिंग नेगेटिव लेते हैं हमें है कि सेकंड में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ गया तो इसमें हमें सोचना नहीं है Northing, Southing, Easting, अगर ले रहे हो, हो तो अगर ले रहे हो, तो पता होना कि नॉर्थिंग या साउथिंग है ईस्टिंग या वेस्टिंग या कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रही है आपकी लाइन तो क्लियर है सभी को नेक्स्ट आपका आता है बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स मान लो कि आपके ट्रेवर्स में जो एरर है क्लोजिंग एरर है तो उस एरर को ट्रेवर्स में कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है यू कैन से एरर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और में से बैलेंस करना है ए ट्रेवर्स इज बैलेंस्ड बाय अप्लाइंग करेक्शंस टू दूड एंड डिपार्चर दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ए ट्रेवर्स इन केस ऑफ क्लोज ट्रेवल्स एलिजेबल ऑफ लेटी टू जीरो बता चुका हूं जीरो होना चाहिए और कौन से दो मेथड है बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स दो मेथड है बेटा सबसे पहला बोर्डिच एंड सेकेंड है ट्रांजिट रूल तो वन बाई वन

इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसिज़न के साथ मेजर कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आप एंगल को ज्यादा प्रिसाइज मेजर कर रहे हो और लेंथ को कम प्रिसाइजली मेजर कर रहे हो ऐसा नहीं करना दोनों को इक्वली प्रिसाइज मेजर करना है बाय दिस रूल द टोटल एरर इन लेटिट्यूड और डिपार्चर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द ट्रेवर्स लेग दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रेवर्स एडजस्टमेंट अब बेटा बताओ कि इसमें कैसे करना आपने आपने क्या देखा

क्लियर है सभी को सिमिलरली डिपार्चर में करेक्शन क्या होगा किसी लाइन में लेंथ ऑफ ऑफ लाइन डिवाइड मल्टीप्लाई टोटल एरर इन डिपार्चर करेक्ट है अब क्या बोल सकते हो कि जो लेटीट्यूड और डिपार्चर में जो एरर है वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी क्लियर है सभी को क्यों बोला गया कि लेंथ ऑफ देट लाइन डिवाइड बाई

सम्मेसन ऑफ डिपार्चर कितना रहा है बेटा आपका क्विक रेस्पॉन्ड समन ऑफ लेटलुड कितना रहा बेटा आपका क्या सभी का रहा आ रहा है पॉइंट सिक्स सिक्स आ रहा है आई थिंक पॉजिटिव में ठीक है क्लियर और डिपार्चर कितना बेटा समेन वो पॉजिटिव आ रहा था बताओ मुझे ये आपका आ रहा है माइनस में पॉइंट एट एट आई थिंक सभी का डिपार्चर पूछ रहा हूं बेटा सही है सभी का इतना ही आ रहा है चलो सभी का सही आ रहा है अब बेटा आप मुझे बताओगे क्वेश्चन आप लोग करोगे अब मैंने आपको फॉर्मूला दिखा दिया ना अभी मुझे बताओ ध्यान से सुनना बेटा कि अगर मेरा लेटीट्यूड कितना आ रहा है समेशन प्लस का आ रहा है जीरो पॉइंट सिक्स अगर मेरी, एरर मेरी एक टाइप की एरर ही होगी आपकी अगर मेरी एरर पॉजिटिव है ये जीरो आनी चाहिए थी प्लस आ रही है है क्या मेरी एरर पॉजिटिव तो बेटा जल्दी बताओ मुझे करेक्शन क्या होगा लेट्टीट्यूड में नेगेटिव होगा ना करेक्शन अगर एरर पॉजिटिव है तो मेरा करेक्शन नेगेटिव होगा क्लियर है सभी को तो ये चीज आपको पता लग गई

अब आप मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे बताइए लाइन के लिए में करेक्शन कितना होगा जल्दी बताइए लाइन के लिए में करेक्शन क्या होगा? लेंथ कितना था ये लेट्यूड कितना था पॉइंट सिक्स सिक्स साइन हमें पता है करेक्शन में साइन नेगेटिव रहेगा क्लियर है साइन हमें पता है डिवाइड बेटा जल्दी बताओ इसका पेरीमीटर कितना है पेरीमीटर कितना है इसका टू थर्टी फाइव पॉइंट वन प्लस थ्री वन सेवन पॉइंट फोर प्लस टू वन फाइव प्लस टू एट्टी वन पॉइंट सिक्स जीरो आई थिंक सभी का आ रहा है वन जीरो फोर नाइन पॉइंट वन क्लियर है सभी का इतना ही आ रहा है तो जल्दी बताओ मुझे करेक्शन इन लेटीट्यूड कितना होगा बेटा आपका फोर लाइन ए बी बेटा बताओ जल्दी ये कितना था मेरा वैल्यू माइन ओके आपने फाइंड आउट कर लिया कि करेक्शन इन लेटीट्यूड फॉर एबीज लाइन ना बेटा साइन भी मेंशन कर दो आप लोग ना साथ में साइन भी मेंशन कर दो मैग्नीट्यूड विद साइन तो सभी का आ रहा है ये जीरो पॉइंट वन फोर एट साइन नेगेटिव में करेक्ट जीरो जीरो पॉइंट वन फोर एट क्लियर है माइनस जीरो पॉइंट वन फोर सेवन ओके मतलब सभी का सही है मींस की आप सभी लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो मैं आपको एक और दिखा रहा हूं सही है ना मुझे एक बताओ एक रैंडम लाइन चूज कर रहा हूँ ये सब पता है वो समेशन कितना था बेटा टोटल कितनी सब आपको पता है डाटा तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे बताओ डी ए लाइन डी ए लाइन के डिपार्चर में बेटा कितना करेक्शन होगा डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे डी ए लाइन के डिपार्चर में बेटा कितना करेक्शन होगा कैसे करेंगे लेंथ ऑफ डी ए लाइन कितना है 281.60 कितना करेक्शन रहेगा पॉजिटिव बता आपको आई थिंक यही हो रहा है सभी का जल्दी बताओ कितना आ रहा है करेक्शन बेटा ना पॉइंट टू थ्री सिक्स ट्राई कीजिए जब ऐसा जब क्वेश्चन हो ना आपका एरर वाले ये वाले ये तो कीजिए इसको डेसिमल के तीन डिजिट तक एटलीस्ट मेंशन करो आप करेक्शन रहेगा पॉजिटिव वो रहेगा पॉइंट टू थ्री सिक्स ऑल आर करेक्ट मीन्स आप सब लोग समझ गए अभी कि कैसे फाइंड आउट करना है करेक्शन हेल्प ऑफ बॉडी रूल तो अब क्या करोगे आप लोग देखो ये था पहले वाला था कि ये सभी के थे गिवन ये उनके रिगार्डिंग करेक्शन थे देखो आपका पॉजिटिव था इसलिए करेक्शन क्या रहे हैं सभी सभी नेगेटिव में करेक्शन आ गए क्लियर है थर्ड कॉलम क्या बनेगा करेक्टेड लेटीट्यूड क्या रहेगा प्लस टू वन एट पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट वन फोर एट तो ये मेरे पास आ गया करेक्टेड लेटीट्यूड आ गया उस लाइन का अब आप क्रॉस से कैसे करोगे इन सबका समेन कर दो बेटा ये समेन आपका जीरो आना चाहिए क्लियर है तब आपका क्लोज टेबल्स होगा ना सिमिलरली आपने डिपार्चर के लिए आपने करेक्शन लगाया तो उसमें बेटा टेबल क्या बनेगी आपकी लाइन उसका डिपार्चर क्या और करेक्शन क्या देखो बेटा सभी पॉजिटिव क्यों क्योंकि मेरा जो डिपार्चर में जो एरर थी वो एरर नेगेटिव थी माइनस पॉइंट एट एट

जीरो आ गया तो क्लियर है सभी को बॉडीच रूल किसी को डाउट तो नहीं है बॉडीच रूल के अंदर कि मैं करेक्शन कैसे अप्लाई करूंगा सेकेंड की तरफ मूव करें सेकेंड जो आपका मेथड है बैलेंसिंग का ट्रांजिट मेथड बेटा आपका चलो नेक्स्ट की तो बॉडी चो ट्रांजिट में डिफरेंस क्या है आपको मैंने एक टाइम बताई थी कि लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट अगर दोनों सेम डिग्री ऑफ प्रिस के साथ मेजर किए गए लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर तो आपका यूज करना आपको बॉडी रूल क्लियर है अगर आपके एंगुलर मेजरमेंट है मैं साइन लगा रहा हूं डिग्री है ना दोनों के अंदर इक्वल है अगर आपके एंगुलर मेजरमेंट में डिग्री ऑफ प्रिस ज्यादा मीन्स क्या है कि आपने जो एंगल मेजर किया है वो ज्यादा प्रिसाइजली मेजर किया है और लीनियर मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइजली मेजर नहीं किया आपने क्लियर है तो उस केस में जो कौन सा यूज करना मेथड आपको ट्रांजिट मेथड ठीक है बेटा बॉडीज में क्या था आपका लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट दोनों सेम डिग्री से मेजर किए थे ट्रांजिट में क्या है कि एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज द लीनियर मेजरमेंट तो यहां तो आप समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों रूल में अगर आपसे एग्जाम में बोले मेथड का नाम मैं करे इस मेथड से ही करना है

कि आपने आपको मान लो किसी ने बोला कि एक लाइन का लेंथ मेजर करना था आप लोगों से क्लियर है और मान लो उस लाइन का करेक्ट लेंथ ना, तो है ना टेन मीटर है योर लेंथ तो एक ने मेजर किया तो पहला रीडिंग आया नाइन पॉइंट फाइव नेक्स्ट रीडिंग आया नाइन पॉइंट फाइव फाइव नेक्स्ट आया नाइन पॉइंट सिक्स जीरो एक आया टेन एक आया टेन पॉइंट फाइव यू कैन से लाइक दिस वन तो मैं इसको एक टारगेट के रूप में समझा रहा हूँ सभी ने डार्ट वाला गेम खेला होगा देखा होगा इसमें ये ये टारगेट वैल्यू मान लो आपका जो करेक्ट वैल्यू थी अब लोगों ने क्या जो रीडिंग्स ली किसी की रीडिंग ये नाइन पॉइंट फाइव फाइव किसी की मान लो एट आर रीडिंग आ रही है किसी का टेन रीडिंग आ रहा है किसी का टेन पॉइंट वन रीडिंग आ रहा है तो बेटा डिग्री ऑफ प्रेशन मीन्स क्या है कि आपने जो रीडिंग्स ली है आपने जो रीडिंग ली है वो रीडिंग कितनी पास पास है means क्या है उन रीडिंग में वेरिएशन बहुत कम है means क्या है? अगर मान लो देखो ना 9.5, पॉइंट फाइव नाइन तो उसे बोलेंगे कि प्रिसाइज है वो जो आपने रीडिंग्स जो मेजरमेंट लिए हैं वो, मेजरमेंट में ज्यादा वेरिएशन नहीं है उन मेजरमेंट में आपस में मान लो कि आपने ये चार मेजरमेंट लिए थे

तो वो कहलाएगा डिग्री ऑफ ये वाला चीज और वो वैल्यूज़ जो है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तो आगे से ध्यान देना दोनों टर्म सेम नहीं है कोई बोले एक्यूरेट और प्रिशाइज प्रिसाइज मींस क्या कि जो रीडिंग्स है आपस में कितने वेरिएशन उनमें जितना कम वेरिएशन होगा उतना अच्छा प्रिसाइज होंगे और वो जो वैल्यूज है readings है, observation है, 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 वो वो से कितना आपका कहलाएगा तो confused नहीं होना degree of accuracy और degree of precision से. है, है और से। सभी को? तो हम अगला ट्रांजिट रूल डिस्कस कर लेते हैं पे तो आपने देखा कि एंगुलर मेजरमेंट मोर प्रिसाइजली मेजर है एज कम्पेयर टू लीनियर मेजरमेंट तो मैं करना है। अब में बेटा क्या होगा? आपने वहां क्या पढ़ा था

करेक्शन क्या है लाइन ए बी के लिए लेटीट्यूड में करेक्शन क्या होगा करेक्शन फॉर लेटीट्यूड फॉर लाइन ए बी ठीक है इज इक्वल्स टू लेटीट्यूड लेटीट्यूड ऑफ दैट लाइन डिवाइड बाय अर्थमेटिक सम ऑफ लेटीट्यूड समझा रहा हूं इसका मीनिंग क्या है इनटू टोटल एरर इन लेटीट्यूड देखो बेटा

divided ऑफ लाइन ए बी departure of अर्थमेटिक line of of the lines into टोटल error इन डिपार्चर क्लियर आपको वहां क्या था कि length के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था या, latitude और डिपार्चर के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अब मैंने देखो ये तो पता लगे आपको जैसे इस केस में क्या latitude यही है latitude इसका समय से latitude क्या था जो पहले था आई थिंक सेम एग्जांपल है तो प्लस का पॉइंट सिक्स सिक्स एंड माइनस का 0.88 अगर सेम एग्जांपल है तो समझा रहा हूँ सही समझाने के लिए क्लियर है तो ये हो गया कि लैटिट्यूड कितना होगा प्लस +218.5 मतलब मीन्स क्या है 218.5 डिग्री लेटीट्यूड हो गया प्लस में आपका और समेशन ऑफ एल कितना है 0.66 है आपका जो एरर लेटीट्यूड के अंदर और एटा एलटी क्या है एलटी अरिथमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड मींस क्या है अरिथमेटिक सम का मतलब क्या होता है कि

प्लस मोड ऑफ एलबीसी एल का लैटिट्यूड बताया अभी ठीक है प्लस मोड ऑफ लैटिट्यूड ऑफ सीडी प्लस मोड ऑफ लैटिट्यूड ऑफ डीए बेटा समझ लो ये अरिथमेटिक सम ऑफ का मतलब ये होता है या तो मोडुलस लगा लो कंफ्यूजन होता है तो ये याद रख लो कि विदाउट साइन ऐड करने हैं मतलब सभी को पॉजिटिव मान के ऐड करना है इसलिए बोला अरिथमेटिक सम बोला है नीचे डिवाइड में

तो क्लियर है सभी को दोनों में डिफरेंस क्या है एल एल क्या है क्या है मींस विद साइन तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो करेक्शन फॉर लेटिट्यूड करेक्शन फॉर डिपार्चर तो आपसे पूछने वाला हूँ देखो यहां पे हमें क्या है से कोई नहीं मतलब नहीं जाता इसके अंदर क्यों क्योंकि एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज तो इनकी बात करते हैं तो मैं आपसे दो चीज पूछ रहा हूं एक तो मुझे बताओ ऑफ़ एल कितना है इस केस में ऑफ़ डी कितना है जल्दी बताओ मुझे कैलकुलेट करके और एल टी कितना है और डी टी कितना है ये क्या है एल्जिब्रिक मीन सबको विद साइन लेना है प्लस तो प्लस माइनस लेके

एल टी आ रहा है एट्टी नाइन पॉइंटी नाइन पॉइंट बाकी चेक करो अपने बताओ जल्दी इतना ही आ रहा है बेटा इतना कैसे आएगा एल टी आपका यार इतना तो नहीं आएगा एट नाइनटीन इतना तो नहीं आएगा बेटा करेक्ट करो एल टी कितना आएगा टू वन एट पॉइंट फाइव प्लस फोर्टी टू पॉइंट वन सिक्स प्लस टू जीरो नाइन पॉइंट फोर नाइन प्लस फिफ्टी पॉइंट फाइव वन ये आपका आ रहा है फाइव ट्वेंटी पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव ट्वेंटी पॉइंट सिक्स सिक्स बेटा गलती नहीं करना है छोटे छोटे कैलकुलेशन है प्लस माइनस करना होता है मिस्टेक नहीं करना है

चलो ठीक है मतलब यहां से यहां तक सही कर रहे हैं तो अब मुझे आप बताओ तो हम हम सीखे करेक्शन अप्लाई करना तो बेटा सबसे पहले बात आती है ए बी लाइन के लेटीट्यूड में करेक्शन की बात आती है तो क्या था तो सभी का आ रहा है जीरो पॉइंट टू सेवन सेवन हाँ जीरो पॉइंट टू सेवन सिक्स ओके क्लियर है ऐसे ही आप लोग सभी के लिए लेटीट्यूड करेक्शन निकाल सकते हो बाई ट्रांजिट रूल बीसी में क्या होगा लेटीट्यूड हो बीसी डिवाइड बाई एलटी टी पता आपको और समेशन ऑफ एल भी पता है क्लियर है तो ऐसे ही बेटा आपको सभी लाइन के लिए आपको लेटीट्यूड करेक्शन निकाल लेना है लेटीट्यूड के लिए ये सभी फाइंड आउट कर सकते हो ये वैल्यू सबकी सही है ना यही वैल्यू जा रही है फॉर्मूला कौन सा है लेटीट्यूड ऑफ डेट लाइन डिवाइड बाय एलटी इनटू टोटल टू टोटलूड अब अगला हम डिपार्चर के लिए निकालेंगे पहले बता रहे फार्मूला क्या है डिपार्चर के लिए क्लियर है तो आपने देखा कि पॉइंट टू सेवन सेवन था ए बी के लिए तो आपको पता है कि जब टोटल एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या रहेगा क्लियर ना सभी को तो तो अप्लाई कर देना लेटूड में उसका करेक्शन कितना था नेट जो करेक्टेड लेटूड निकाल लो सभी का समेशन आपका जीरो आना चाहिए यही तो कंडीशन है क्लोज ट्रेवर्स की क्लियर है सभी को

ये देखो बेटा सभी के सभी पॉजिटिव करेक्ट है तो आपका समेशन ऑफ डिपार्ट जीरो आ रहा क्लोज टूवर्ड्स मीन्स आपने जो बैलेंस कर लिया ट्रिवर्स को विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिट रूल बेटा जो आपका एक आई थिंक ये तो सभी को भी इजीली समझ में आ गया होगा कि लेटिट्यूड डिपार्चर क्या है उनका यूज क्या है करेक्शन में कैसे यूज करना उनको क्लोज स्टोर्स में क्या कंडीशन होती है ट्रेवर्स को बैलेंस करने के दो मेथड है और ट्रांजिट तभी तो, तो, आपको अच्छे समझ में आ गया मेरे हिसाब से कि, कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई बोले तो कि बॉडीज ट्रांजिट आपको ट्रेवर्स बैलेंस करना मीन क्या है कि एरर को डिस्ट्रीब्यूट करना आपको एक ही बात है करेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना एर डिस्ट्रीब्यूट करना एरर एक ही बात होगी ना जितना एयर है उतना ही करेक्शन अपोजिट साइन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सभी में किस प्रोपोर्शन में करना है बॉडीज बोलता है

कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मेथड लगाना है अगर मान लो चलो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक ना कुछ दे रहा हूँ आपको मान लो आप एक आपने एक ट्रेवर्स था ये ट्रेवर्स था आपका ये लेंथ ही मान लो ट्वेंटी वन मीटर ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स मीटर ट्वेंटी एट मीटर क्लियर है ये लेंथ आपकी और जो बेयरिंग बोल रहा हूँ उसे भी इसको ए भी नाम दे दो आपको तक कन्फ्यूजन ना हो ए बी सी डी ए बी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी आपको मैं बता रहा हूँ आज मान लो कि ए बी लाइन की लेंथ 21 मीटर है ना मीटर में ठीक लेंथ और एंगल कितना है मान लो इसका बेयरिंग 7 डिग्री 28 मिनट एंड 30 सेकंड सेगमेंट बी सी कितना है 90 डिग्री तो में जीरो नहीं मेरे वैल्यू जो मिल सही वैल्यू ही हो फिर आप बोलोगे सर इसका एटीट्यूड नहीं यार मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको जरूर नहीं इनमें समेशन एल जीरो आए डिपार्ट जीरो आए नहीं आएगा मतलब क्या कुछ एरर है इसका बेयरिंग मान लो 90 डिग्री uh, 45 मिनट 0 सेकंड 26 डिग्री 18 मिनट 14 सेकंड 190 डिग्री मिनट मान लो कि आपको मैंने ये मेजरमेंट दे दिया एक, एक एक है इसके अंदर लेंथ है और जो बियरिंग सी ये है अब मुझे मैंने आपसे बोला कि इस ट्रेवर्स को बैलेंस करो बेटा अब आपको देख के क्या लग रहा है कि इस ट्रेवर्स में कौन सा मतलब मैंने बोला नहीं कुछ अभी मैंने कुछ लिख के नहीं दिया आपको कि कौन सा मेजरमेंट मोर प्रसाइज है मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको देख के क्या लगता है कि इसमें मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए बॉडी अप्लाई करना चाहिए करना चाहिए इस given example में बेटा कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए आपके हिसाब से बॉडीज समझ बेटा और बाकी आंसर बताओ दो ही तो ऑप्शन है boardage और ट्रांजित. आपको क्या लगता है कोई बात नहीं गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है सीखना ही है

मीन्स क्या जो मेरे लीनियर मेजरमेंट है ना 21.5 24.6 ये मेरे लीनियर मेजरमेंट एंगुलर मेजरमेंट देखो यहां से देखो 7 डिग्री 28 मिनट 30 सेकंड मीन्स क्या सेकंड तक गए हम लोग बिकॉज़ एंगल्स आर मोर प्रिसाइज़ली मेजर्ड समझ में आ रहा है बेटा देख के समझाना चाहिए था आपका जब मैंने बोला ना कि एंगुलर मेजरमेंट भी देखो मैंने वैल्यू भी दी आपको समझने के लिए और लीनियर मेजरमेंट भी दिए तो आपको ये चीज समझना चाहिए था कि एंगुलर मेजरमेंट या मोर प्रिजली है इसलिए हमें ट्रांजिट लगाना लेकिन आप टेंशन मत लो आपको वैसे मेंशन मेंशन करेगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्लियरली करेंगे वो लोग कि कौन सा अप्लाई करना है फिर मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि बाय चांस अगर कभी मेंशन ना हो कोई पूछ ले आपसे कौन सा अप्लाई करना है तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा अप्लाई करना है तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अब क्विकली ये हमारा क्लियर हो चुका है अब तक कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम हमारा अगला है एरर्स इन थोड़ा सबसे पहला बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर जो जो इंस्ट्रूमेंट में होगी तो क्विक डिस्कस करते हैं सबसे पहला एरर कौन सा है एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल क्लियर है नेक्स्ट कौन सा है एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बींगरिजोन एक्सिस एरर थर्ड आपका कौन सा है एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस जो हमने पढ़े थे ना बेसिक एक्सिस ऑफ थियोलाइट एंड देयर रिलेशनशिप अगर वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो रहा मींस क्या एरर कौन-कौन सी है तो वही सभी के सभी बेटा ध्यान से देखो नेक्स्ट कौन सा है एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ द एक्सिस ऑफ टेलिस्कोप लेवल एंड द लाइन ऑफ कोलिमेशन नेक्स्ट कौन सा है एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ वर्नियर सर्कल वर्टिकल सर्कल का जो वर्नियर है उसके जो आपके एडजस्टमेंट है इम्परफेक्ट है एरर ड्यू टू इसे ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन एंड लास्ट वन एरर ड्यू टू इसे ऑफ अब बेटा आपको एक दो तो चीज समझा देता हूँ जो आपको नहीं समझ में आ रही शायद जैसे देखो एक्सिस परपेंडिकुलर है या नहीं है तो समझ पा रहे हो आप लोग लेकिन जो बता रहा हूँ कि लिखा है इम परफेक्ट ग्रेजुएशन मीन क्या, क्या है इन जैसे मान लो कि ये जीरो था ये एवन था इनके बीच जो गैप है उतना और टू के बीच गैप होना चाहिए था लेकिन वो मान लो गैप इक्वल नहीं है मीन्स क्या है कभी ज्यादा है कभी कम है समझ रहे हो ये हो गया इम परफेक्ट ग्रेजुएशन आपका क्लियर है और इसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा जो मेन पोजीशन से जो आपका सेंटर होना चाहिए वन ईयर का और जो आपका सर्कल का सेंटर है वो परफेक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहे ध्यान देना इफ द सेंटर ऑफ द ग्रेजुएटेड ओरिजिनल सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द वन ईयर प्लेट रीडिंग अगेंस्ट इधर वन ईयर विल बी इन करेक्ट तो क्लियर है आपका ये लास्ट एरियर ड्यू टू इंट्रिसिटी ऑफ ईयर मींस क्या है कि जो बेटा आपका जो द एरियर इज इंट्रोड्यूस्ड वेन द जीरो ऑफ द वन ईयर आर नोट एट द एंड ऑफ द Same Means क्या है, जब आपने वन ईयर ए में रीडिंग जीरो जीरो कर रखी है, है? है तो क्या हो गया मान लो वन ईयर ए लगा है, या वन ईयर बी लगा आपका जब इसमें रीडिंग जीरो जीरो है डिग्री मिनट सेकेंड उस टाइम इसमें रीडिंग कितनी होनी चाहिए तो ऐसा होना चाहिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है यहां रीडिंग डिफरेंट है कुछ तो मीन्स क्या है एरर ड्यू टू इस्ट्रिसिटी ऑफ वर्नियर Perpendicular होना था. बताया था, आपको, अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या है ये आपका इंस्ट्रोमेंटल एर है क्लियर है सभी को ओके okay, सभी क्लियर है सभी को टर्म्स हम कर गौन -गौन सी कैसे रिलेशन होना चाहिए कौन सा हो, सी पैरेलल होगी तो वही बेटा अगर वैसा नहीं है तो और दो चीज थी ग्रेजुएशन इम परफेक्ट और इस वर्नियर, जिसमें एक में जीरो उसमें अगेंस्ट, अगले में होना अगर ऐसा नहीं है तो वो किस वजह से होगा ई ऑफ वर्नियर की वजह से होगा

मेनुपुलेटिंग रॉन्ग टेंजेंट स्क्रू क्लियर है तो बेटा देखना कि कम कौन सा यूज करना है तो ध्यान देना ये गलतियां नहीं करनी है अब आपका एक आता है शिफ्टिंग लूज और इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ऑन द ट्राइपॉड हेड द एरर इज ऑफ अ सीरियस नेचर सिंस द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ साइट विल चेंज When such occurs. देख रहे आप लोग क्या है कि जब आपने जो लोअर एग्जाम्पल आपने जब लोअर क्लेम फिक्स करा वो आपने कम्प्लीटली फिक्स नहीं करा क्लियर है और आप क्या कि अब अपर क्लेम को लूज करके मूव करो इंस्ट्रूमेंट को अगर आपका बेटा लोअर क्लेम्प लूज है थोड़ा बहुत तो क्या इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या है वहां आपकी जो रीडिंग्स है उनमें एरर आएगी इन करेक्ट रीडिंग आएगी क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट साथ में रोटेट करेगा लोअर क्लेम लूज है थोड़ा बहुत उसके उस केस में रीडिंग वेरी नहीं करेगी

तो मीन्स क्या उसमें आपके एरर आने के चांसेज स्लिप की, चांसे की वजह से लास्ट जो आपका है कॉमन चीज आपको पता है एरर इन साइटिंग एंड रीडिंग इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जर्व आपने जो पॉइंट का साइटिंग है वो बाइसेक सही से बाइसेक नहीं किया उसको और यू कैन से पेरलक्स की एरर है और कुछ मिस्टेक कर रहे हो बेटा आप लोग और यू कैन से ठीक है आपकी थी एरर इन साइटिंग एंड रीडिंग बताया आपको पेरलक्स क्या है और बेटा पेरलक्स की एरर कैसे रिमूव करते हो आप लोग बाय फोकसिंग द आई पीस एंड मिस्टेक क्या करोगे आप लोग वर्नियर की रीडिंग को सही रीड नहीं कर पा रहे नोट नहीं कर पा रहे वो मिस्टेक्स आपकी बेटा एक टाइप की लास्ट जो आपका एरर का टाइप आता है नेचुरल एरर बेटा गी.

आप बेटा क्या आपको ग्राउंड पे तो करना है ट्राइपोर्ड सेटल शेट करोगे अब क्या कि मान लो कि एक लेग ज्यादा रेड से अंदर अर्थ और यू कैन से जो आपकी सोइल है उसके अंदर अंदर ज्यादा तेजी से सेटल हो रहा है। अंदर कर रहा है है के मूव कर एक लेग बाकी लेग उतनी तो तेजी से मूव नहीं कर रहे ज्यादा तेजी से सेटल कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ट्राईपोर्ड का लेवलिंग डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर क्या एरर आ गई आपकी फिर तो लेवलिंग ही गलत है तो मेजरमेंट कैसे सही होंगे आपके नेक्स्ट अनइक्वल रिफ्रैक्शन ड्यू टू हाई टेम्परेचर लास्ट वन अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ पार्ट्स ऑफ थोड़ोलाइट एंड सर्कल ड्यू टू टेम्परेचर चेंज क्लियर है ये आपके एटमोस्फेयर हो गए टेम्परेचर की वजह से विंड की वजह से और कौन से ग्राउंड पे आपने अप किया है आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग द डिग्री ऑफ आपका। इनका थोड़ा वैल्यू देख लो कि डिग्री ऑफिसन कितना कितना होना चाहिए तो सबसे पहला कौन सा केस है फर्स्ट ऑर्डर ट्रेवर्स फॉर हॉरिजॉन्टल कंट्रोल इसमें क्या है एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर कितना हो सकता है कितना होना चाहिए सिक्स सेकेंड रूट एन बेटा वेर एन क्या है बता सकता है कोई मेरे को इसमें एन क्या है एन इज द नंबर ऑफ एंगल्स मेजर्ड यहाँ ध्यान रखना यहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ एंगल्स मेजर्ड क्लियर है यहाँ पे एन बेटा है ऑफ़ एंगल मेज़र्ड यहाँ पे क्लियर है एन है आपका नंबर ऑफ एंगल लास्ट टॉपिक एंड कर रहे हैं एन है नंबर मेजर्ड फर्स्ट ऑर्डर के लिए इतना है एंगलर में सिक्स सेकंड रूट एन

मेजरमेंट में तो ठीक है टोटल इनियर ऑफ क्लोजर तो ये टेबल है कुछ वैल्यू याद करना चाहो तो कर सकते हो उतना कंपल्सरी नहीं है तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड कर रहे हैं नेक्स्ट वेनर्सडे को मिलते हैं हम लोग